समाजवादी पार्टी बाहुबली विधायक राजा भैया के खिलाफ उनके ही संगीत में रहे गुलशन यादव को उतारा है। क्या गुलशन यादव कभी राजा भैया को चुनौती देकर क्या जीत पाएंगे चुनाव? अखिलेश यादव ने राजा भैया को हराने के लिए गुलशन यादव को भेज दिया है कुंडा। क्या राजा भैया की 30 साल पुरानी सियासी जमीन को एक झटके में खत्म कर देंगे गुलशन यादव? गुलशन यादव कभी राजा भैया की परछाई हुआ करते थे, लेकिन इसी परछाई को अखिलेश यादव ने राजा भैया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इसीलिए कहते हैं दुश्मन का दोस्त सबसे ज्यादा काम का होता है। गुलशन यादव राजा भैया के बहुत करीबी थे, सपा ने इसका फायदा उठाया और राजा भैया को हराने के लिए विभीषण तीर चला दिया। जिसे लोग राजा भैया का चेला कहते थे, वही चेला राजा भैया को कुंडा का गुंडा बताकर सियासी मैदान में कूद पड़ा है। इतिहास गवाह है, राजा भैया से जो टकराया वो बिखर गया। लेकिन हर इंसान की एक दुखती रग होती है, राजा भैया की दुखती रग बन गए हैं गुलशन यादव, जिन्हें अखिलेश यादव ने राजा भैया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। गुलशन यादव भी प्रतापगढ़ जिले के कुंडा के ही रहने वाले हैं। कहते हैं बचपन में गुलशन यादव राजा भैया की गाड़ी के पीछे पीछे भागा करते थे। जब थोड़ा बड़े हुए तो भीड़ में राजा भैया के लिए नारे लगाते थे। कुछ साल बाद गुलशन यादव राजा भैया की नजर में आ गए। राजा भैया के साथ काम करने का गुलशन यादव को इनाम भी मिला। राजा भैया की वजह से ही गुलशन यादव कहते हैं पहली बार प्रधान बने थे और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे गुलशन यादव अपना कुनबा बढ़ाते रहे, कुंडा में अपनी पहचान बनाई और खुद कुंडा के भाईजान बन गए। कुंडा के कई इलाकों में गुलशन यादव की सियासी तूती बोलती है। राजा भैया और गुलशन यादव पर साल 2013 में कुंडा के डीएसपी जियाउल हक की हत्या का आरोप लगा था। इसके बाद कुंडा में राजा भैया के करीबी पुष्पेंद्र सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में गुलशन यादव को गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में पिछले 4 साल से गुलशन यादव जेल में बंद थे, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद अब राजा भैया के खिलाफ ही मैदान में कूद पड़े हैं। पुरानी एक कहावत है, दुश्मन का दोस्त सबसे ज्यादा काम का होता है। इसी रणनीति के तहत अखिलेश यादव ने राजा भैया के करीबी रहे गुलशन यादव को उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दिया है। गुलशन यादव को जिस कुंडा सीट से सपा ने उतारा है, वहीं से राजा भैया विधायक है। 2017 में गुलशन यादव जेल में रहते हुए कुंडा नगर पंचायत के चेयरमैन पद के चुनाव में अपनी पत्नी सीमा यादव को राजा भैया के प्रत्याशी के खिलाफ खड़ा करके जिता दिया था। पिछले 2.5 दशक से सपा कुंडा में राजा भैया के समर्थन में प्रत्याशी नहीं उतार रही थी, जिसकी वजह से राजा भैया आसानी से कुंडा सीट से जीत जाते थे। लेकिन अखिलेश यादव से अदावत होने के बाद ना तो अखिलेश यादव झुके और ना ही राजा भैया। राजा भैया की मुलायम सिंह यादव से बहुत अच्छी बनती है, जिनसे वो कभी कभी मिलने भी पहुंच जाते हैं, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। इस सियासी दुश्मनी का परिणाम ये हुआ कि अखिलेश यादव ने राजा भैया को हराने के लिए गुलशन यादव को चुना और टिकट दे दिया। कुंडा में यादव मतदाताओं का दबदबा है। राजा भैया कुंडा में यादव, पासी, मुस्लिम और ठाकुर वोटरों के सहारे सियासी दबदबा कायम रखे हुए थे, लेकिन अब गुलशन यादव के सामने आ जाने की वजह से राजा भैया को पसीना आ गया है, क्योंकि यादव समीकरण बिगड़ता दिख रहा है। वैसे कुंडा का इतिहास तो यही कहता है कि राजा भैया ना तो किसी के सामने झुके हैं और ना कभी हारे हैं, लेकिन इस बार गुलशन यादव के सामने आ जाने की वजह से राजा भैया का 30 साल पुराना सियासी दबदबा दांव पर लग गया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या गुलशन यादव राजा भैया को हरा देंगे? आप अपना जवाब कॉमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उस्ताद, आपत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।